तो क्या आप भी अपने इंस्टाग्राम पे रील्स बोनस ऑप्शन का काफी दिनों से वेट कर रहे हो लेकिन अभी तक आपको रील्स बोनस ऑप्शन देखने को नहीं मिला है? चलिए मैं आपको इस वीडियो में तीन मेथड बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आपको पता लगेगा कि आप रील्स बोनस ऑप्शन के लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं, और कैसे आप भी इंस्टाग्राम रील्स बोनस ऑप्शन का यूज करके काफी अच्छा पैसा कमा सकते हो। वो सारी चीज आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक वॉच करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलते अपने स्क्रीन की ओर, सो विदाउट एनी बकवास लेट्स गेट स्टार्ट। हां जी गाइस, तो मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे आ चुका और यहाँ पे आपको फर्स्ट मेथड बताने वाला हूँ जिसके अंदर आप जानोगे कि आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो प्राइवेट टू पब्लिक में स्विच होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को प्राइवेट में करके रखा हुआ है और आप सोच रहे हो कि आपको इंस्टाग्राम रील्स बोनस ऑप्शन देगा, तो द आंसर इज नो, बिकॉज जो यूजर्स नए नए लोगों तक इंगेज कर ही नहीं पा रहे हैं, जिनकी प्रोफाइल नए नए लोगों तक पहुंच ही नहीं रही है, तो ऐसे में इंस्टाग्राम भी नहीं चाहते कि उनको रील्स बोनस ऑप्शन मिले। तो अगर आप भी ये गलती अभी तक कर रहे थे, अगर आपने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को प्राइवेट में रखा हुआ था, तो अभी जस्ट उसको प्राइवेट टू पब्लिक स्विच कर लो, बिकॉज जो लोग पब्लिक में उन्हीं को ये ऑप्शन मिलने वाला है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट था या पब्लिक। चलते अपने नेक्स्ट मेथड की ओर। सेकंड मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है बोनस रील्स ऑप्शन के लिए। देखिए, जब आपकी आईडी नई नई क्रिएट होती है तो वो पर्सनल अकाउंट होता है, और आपका जो अकाउंट होता है वो पर्सनल होता है, तो उसमें आपको कई सारी चीजें नहीं मिल पाती, कई सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो आपको शो नहीं होते हैं। तो आपको अपने अकाउंट को प्रोफेशनल में स्विच करना होता है, बिकॉज अभी तक जितने भी क्रिएटर हैं जिनको ये ऑप्शन मिला हुआ बोनस रील्स का, उन सभी के अकाउंट प्रोफेशनल या फिर क्रिएटर में पहले से स्विच थे। ठीक है, तो आपको भी अपने अकाउंट को प्रोफेशनल या फिर क्रिएटर में स्विच करना है, बिकॉज इसके भी अपने फायदे होते हैं। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि मेरी लास्ट 30 डेज के अंदर कितनी इंगेजमेंट हुई, आईडी की कितना रीच गया है, सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे आपको ऐसे कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप अपने अकाउंट को 10x ग्रो कर सकते हो। तो आपको अपने इंस्टाग्राम आईडी को कैसे प्रोफेशनल में क्रिएट करना है, वो सारा सिनेरियो आपको मैं वीडियो में बताने वाला हूँ प्रैक्टिकली। तो चलते अपने दूसरी आईडी में, जहाँ पर आपको पूरा प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कैसे आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को प्रोफेशनल में क्रिएट करना है। तो ये मेरी एक सेकेंडरी आईडी है जहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने अकाउंट को प्रोफेशनल फिर क्रिएटर में स्विच कर सकते हो। तो सिंपल सा आपको यहाँ पे 3 बार का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको सेटिंग्स पे चले जाना है। जैसे आप सेटिंग्स पे क्लिक करते हो, यहाँ पर आपको नीचे से 5th नंबर पे अकाउंट का ऑप्शन आता है, आपको सिंपल सा इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे सबसे नीचे वाला ऑप्शन पे चले जाना है जहाँ पर आपको लिख के आ रहा है सेकंड लाइन में स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, राइट। तो आपको सिंपल सा इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको लिख के आएगा कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, सिंपल सा उस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको जितने भी ऑप्शन आ रहे हैं सबको कंटिन्यू करते जाना है एंड लास्ट में आपको एक ऑप्शन आएगा कैटेगरी का। तो यहाँ पर आपको अपने कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपका नीच है। तो सिंपल से यहाँ पर अपने डिजिटल क्रिएटर को सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आएगा डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल। अगर आप अपने प्रोफाइल में इसको शो करना चाहते हो डिस्प्ले पे, तो आप इसको एनेबल कर देना और डन पे क्लिक कर देना। जैसे मैं डन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक ओके का ऑप्शन आता है, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे जो मेरा आईडी है वो प्रोफेशनल में क्रिएट हो चुका है। बस यहाँ पे थोड़ा सा वेट और यहाँ पे आप देखोगे कि मेरी जो आईडी पहले वाली जो आईडी थी उससे कई ज़्यादा फर्क आपको दिखेगा इस नए वाले ऑप्शन के अंदर, राइट। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्रिएटर या फिर बिजनेस में स्विच कर लेना है। तो यहाँ पर मैं क्रिएटर के ऑप्शन पर नेक्स्ट दबा देता हूँ और थोड़ा सा यहाँ पे एक और नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। सिंपल से यहाँ पे आप कुछ सेटअप्स होते हैं जिसको आपको कंप्लीट करना होता है और यहाँ पे मैं इसको छोड़ देता हूँ, ऐसे सिंपल से क्रॉस पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे मेरे को प्रोफेशनल डैशबोर्ड का ऑप्शन मिल गया है। और ऐसे में क्या होता है कि आपके चांस बढ़ जाते हैं कि आपको रील्स बोनस ऑप्शन मिले, बिकॉज जितने भी क्रिएटर हैं, मैंने आपको पहले बताया जितने भी क्रिएटर हैं जिनको ये ऑप्शन मिला हुआ है, उन सभी के आईडी पहले से प्रोफेशनल फिर क्रिएटर में स्विच थे। तो आपको भी अपने अकाउंट को प्रोफेशनल फिर क्रिएटर में स्विच कर लेना है और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट प्रोफेशनल में क्रिएट था या अभी आप इसको क्रिएट कर रहे हो। चलते अपने नेक्स्ट मेथड की ओर। देखिए, थर्ड एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड जहां पे आप अपने बोनस रील्स ऑप्शन के थ्रू पैसे कमाने वाले हो, वो है आपका डेली बेसिस पे रील्स अपलोड करना। देखिए, आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे खुद की वीडियो अपलोड करनी है, ऐसा नहीं कि आप किसी की भी कॉपी पेस्ट करके डाल रहे हो और आपको कम्युनिटी गाइडलाइन आ रही है। अगर आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक भी कम्युनिटी गाइडलाइन या फिर स्ट्राइक आया हुआ है, तो आपको बोनस रील्स ऑप्शन इन फ्यूचर कभी नहीं मिलने वाला है, बिकॉज जिनके भी अकाउंट में आया हुआ है वो लोग पहले सतर्क हो जाना। एंड आपको अपनी खुद की वीडियो अपलोड करनी है, रील्स वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। तो जितने भी क्रिएटर हैं जिन लोगों ने रील्स बोनस के थ्रू पैसे कमाने स्टार्ट कर दिए हैं, वो लोग डेली बेसिस पे कंसिस्टेंट अपने रील्स वीडियो को लेकर, तो आपको भी कुछ ऐसे ही करना है। आपको भी अपने अकाउंट में, पहले तो अपने अकाउंट को आपको पब्लिक में क्रिएट कर लेना है, उसके बाद आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड क्रिएट कर लेना है एंड उसके बाद आपको डेली बेसिस पे कंसिस्टेंट रहना है रील्स वीडियो अपलोड करने के लिए। सो आई होप आपको वीडियो में बताए गए तीनों मेथड अच्छे समझ में आ गए होंगे और आपको पता लग गया हो कि आप अपने रील्स बोनस ऑप्शन के लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं। और अगर आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पर रील्स बोनस ऑप्शन आ गया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलेंगे अपने ऐसे धमाकेदार अपडेट, टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।